अल्लाह दिस इज हिक मिर्ज़ा योर होस्ट एंड यू आर वॉचिंग हिक मिर्ज़ा ऑफिशियल ओके सो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल फ्रेश हैं या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक एक सेमेस्टर या दो सेमेस्टर किए हैं लेकिन जॉब की वजह से वो ठीक तरह से समझ नहीं पाए कि पेपर पैटर्न क्या होता है तो आज दो तीन बातें हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो ये है कि पेपर पैटर्न क्या आने वाला है आप तैयारी कैसे कर सकते हैं शॉर्ट मेथड में ठीक है शॉर्ट मेथड से मुराद ये है कि कम वक्त में ज़्यादा काम कैसे कवर करना है किस तरीके से करना है कहाँ से करना है और तीसरी बात ये कि हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना रहे हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप बुक्स की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक किताब की हम आपको बताएंगे कि भाई इस किताब में से अगर आप ये ये वाले टॉपिक्स कर लें तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं सबसे हम देखते हैं कि मिड टर्म में हमें जो पेपर आने वाला है उसमें टोटल मार्क्स कितने होने वाले हैं तो याद रखिएगा हर बुक के हिसाब से मार्क्स होते हैं लेकिन टोटल हाईएस्ट मार्क्स जो है एवरेजली वो फोर्टी आ सकते हैं या फिर थर्टी एट और थर्टी सिक्स तो ये इसमें से तीन तरह के इन मार्क्स आते हैं ठीक है इकोनॉमिक्स के पेपर में बस दफा कम होते हैं एम uh, जी के पेपर में बज दफ़ा कम होते हैं वगैरह वगैरह लेकिन समझ लें कि यहाँ तो 40 आएंगे 38 आएंगे या 36 आएंगे इन में से ही कोई एक नंबर आपको मिलेगा मोस्टली जो चांसेस हैं वो है 40 मार्क्स का पेपर के ठीक है अब टोटल क्वेश्चंस जो हैं आपके मिड टर्म में वो कितने आते हैं वो जान लें तो वो ट्वेंटी टोटल क्वेश्चन आपको आएंगे जिसमें से आपको ट्वेंटी ही पेपर करने पड़ते हैं याद रखिएगा इसमें चॉइस नहीं होती नेक्स्ट है जी हमारे पास टोटल एम कितने आने वाले हैं। फर्स्ट करें अगर आपको चालीस नंबर का पेपर आता है अट्ठतीस का आता है या छत्तीस का आता है तो उसमें से आपको ट्वेंटी एम आते हैं जी बिल्कुल ऐसा ही है बीस नंबर का जो पेपर है आपको शुरू में वो आपको एम सी क्यूज बेस आएगा ठीक है और जो बाकी के नंबर होंगे चाहे वो बीस रहते हैं चाहे वो अठारह रहते हैं या सोलह रहते हैं तो वो बाकी का आपको पेपर सब्जेक्टिव आएगा ठीक है तो हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने रह गए ऑब्वियसली सिक्स तो छः सवाल सिर्फ आपको आने हैं जो कि आपने टाइप करने हैं यानी कि सब्जेक्टिव लिखना है बाकी जो हैं आपको 20 नंबर के एम आ जाते हैं बज दफ़ा ये एम सी भी आते हैं या सोलह भी आते हैं लेकिन ये किसी ख़ास किताबों के लिए यानी हर किताब के लिए नहीं है ठीक है ओके नेक्स्ट है हमारे पास के पार्टीशन क्या है सब्जेक्ट यानी जो छः सवाल हैं इनकी पार्टीशनिंग क्या होगी देखिए जी आपको जो दो सवाल सबसे पहले आएंगे ना वो आएंगे दो नंबरों के ठीक है तो टू क्वेश्चंस आपको आएंगे दो मार्क्स के दो ही सवाल आपको जो हैं वो आएंगे तीन नंबरों के और दो ही सवाल आपको आएंगे पांच नंबरों के तो पांच पांच दस नंबर ये हो गए छः नंबर ये हो गए चार नंबर ये हो गए तो बीस नंबर के आपको सवाल जवाब आने हैं याद रखिएगा कि ये आपको लाजमी आने हैं लेकिन क्या है कि ये आएंगे किधर से समझ तो आ गई कि दो 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 छः सवाल आने हैं आने के दर से हैं तो इसकी भी एक बड़ी ही ट्रिक है एक फार्मूला है जो कि मैं देख रहा हूँ लास्ट काफ़ी सालों से क्योंकि मुझे वी को पढ़ाते हुए छः साल हो चुके हैं आलमोस्ट मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ मैं और वी को ही मैं पढ़ा रहा हूँ शुरू से ना कॉलेज ना स्कूल मैंने शुरू से ही वी को पढ़ाया है और इसका मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है क्योंकि मैं इंचार्ज भी रहा हूँ मैंने बच्चों को पेपर्स भी करवाए हैं उनके सामने देखे भी हैं वगैरह वगैरह हर चीज़ के बारे में मुझे पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन हो वो लाजमी करिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं हम लोग बच्चों को जॉब्स के बारे में भी सिखा रहे हैं कि भाई अगर आप घर बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं तो उनके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट कौन सी स्किल्स हैं जो सीख सकते हैं हम वो स्किल्स भी उनको सिखा रहे हैं तो खैर ये एक बात अलहदा हो जाएगी तो आगे से जो दो बातें हैं कि भाई किस तरीके से और कैसे आप कम वक्त में जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं तो उसके लिए जो है मैं आपको तरीका बता देता हूँ आपकी बुक में जितनी भी क्वेश्चन आते हैं आपने देखा होगा कि बहुत लेंथी आते हैं बड़ी लंबी चोटी डिटेल लिखी होती है उसके ऊपर तो कभी भी वी की बुक को बहुत डीपली नहीं पढ़ें उसमें से जो हाईलाइट किए होते हैं टॉपिक्स के भाई ये टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है और उसके जो दो तीन पेज होते हैं दो तीन बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें डिटेल ही डिटेल डिटेल ही डिटेल होती है नहीं ऐसा नहीं करना आपने आप वो टॉपिक को लिखें गूगल पर और गूगल पर उसकी डेफिनेशन निकालें उसका कॉन्सेप्ट निकालें, याद रखें जब गूगल भी आप करेंगे ना तो गूगल पर उसकी डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल्स आपको उसकी चाहिए याद रखिएगा क्योंकि आपको वी यू में मार्क्स जो मिलते हैं ना वो आपको हमेशा मिलते हैं टू द पॉइंट एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा उसमें आपने डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं लिखनी कभी भी नहीं वी में नंबर लेने का तरीकाकार ये है कि आप शॉर्ट मैथड और टू दी पॉइंट लिखें अगर आपसे दो बातें पूछी गई हैं तो दो बातें थोड़ी सी बता के तो ख़त्म करें उसको खींचें नहीं अगर खींचेंगे खींचे तो नंबर नहीं मिलेंगे ठीक है अच्छा आगे जी लास्ट बात यह है हमारे पास के इम्पोर्टेंट टॉपिक वीडियोस आप मुझे अपने अपनी बुक्स के कोड बताएं मैं आपको उसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बना देता हूँ टॉपिक्स भी बता देता हूँ कौन कौन से करने हैं कहाँ कहाँ पे किस पेज पे बढ़े हुए हैं ठीक है इसके साथ साथ मैं इन आप लोगों को पास पेपर्स जो हैं उसके बारे में मुकम्मल मालूम दूँगा ये इंपॉर्टेंट वीडियोस के अंदर कि वो कहाँ से मिलने हैं बल्कि मैं ढूंढ करना तो उसी वीडियो में साथ लगा दूंगा आप लोग वहाँ से उसको तैयारी कर लीजिएगा तो इनशाला आपकी उसमें भी तैयारी अच्छी हो जाएगी तो ये भी मुकम्मल इसका पैटर्न है बेशक इस पैटर्न को लिख लें समझ लें फाइनल टर्म जब आएगा तो उसमें भी हम इंशाल्लाह आपको वीडियो बनाकर तो समझा देंगे सारा कुछ ठीक है अब इसको कोई क्वेश्चन हो अगर आपको तो उसको लाजमी जो है आपने हमसे कमेंट बॉक्स में कर लेना है इसके साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा चैनल आपको वो मालूम दे रहा है जो आपको वाकई चाहिए आपका फ़ायदा हो रहा है तो हमारा भी फ़ायदा करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते करें थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़